क्या मांग है आप लोगों का, क्यों आया जो तहेंग हले हम लोग आज एसडीएम मैडम के पास आए हुए हैं। हमने गत 19 तारीख को एक आवेदन दिया था यहाँ पर एग्रीको से बारेड़ी तक जो बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही थी उसके विरोध में, क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड में झारखंड ही स्वाभिमान की बात होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर बिहार यूपी का स्वाभिमान का बात किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग एक आवेदन दिए थे और स्पष्ट रूप से कहे भी थे कि इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। अभी हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ भी पहुँचे और ये एसडीएम मैडम के यहाँ भी पहुँचे कि उस कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसका स्थिति वस्तुतः स्थिति क्या है, क्या परमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है। दूसरी बात, थोड़ा समय संथाल में अपने भाषा में भी बोलना चाहूँगा, चूँकि यहाँ उन्होंने आदिवासी महिला को सलाह मिट्टी आड़ी मरंग बड़ी लेखा को कथा आका नोड़े को लेखा जे मणिपुर लेखा घटना हुई दरे आ जुदी आपे होर दो बापे बुझे कना झारखंड रे दो मणिपुर लेखा घटना हुई हुआ एनखा नुआ आलिया मेन रे कथा कना झारखंड को या कना जहाँ लेखा नुकु को मेना जे बंगे आपे तो बिहार रे होर कना पे मणांग दो बिहार ता है कना आपे तो मां बिहारी कना पे। भाई हम लोग बिहारी नहीं है, हम लोग झारखंड ही है। हमने 1912 से लड़ाई की है, जब जब भी यहाँ संघर्ष हुआ है हमेशा अब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हर झारखंडी झारखंड मानने का बात किया था, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हम लोग को अपना हक अधिकार स्वाभिमान अभी तक मिला नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर बात किए थे। लेकिन यहाँ ये दुर्भाग्य की बात है और बड़े शर्म की बात है कि इस विषय पे अभी तक, क्योंकि फेसबुक में भी पोस्ट किया गया है मणिपुर की घटना का जिक्र किया गया है, लेकिन किसी नेता मंत्री ने भी इस विषय पर एक भी टिप्पणी नहीं की है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। मांग किया है, हमारी मांग है वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। अभी तक आज हमारा 21 तारीख है, कल 22 तारीख को कार्यक्रम होना है। अगर नहीं होती है, अगर कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग भी कल कार्यक्रम करेंगे। आज हम लोग महोदया से हम लोग परमिशन लेने आए हुए हैं, अगर कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाता है हम लोग भी कल उस जगह में झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो लोकल थानेदार है वो आप लोगों की जो पत्र, आप लोगों उनको पत्र नहीं मिला है क्या? देखिए इस विषय पे तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, पत्र मिला है कि नहीं मिला है। हम लोग आए हैं एसडीएम के पास, उस पत्र के आलोक में भाई क्या कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक इस विषय पे जानकारी वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि ये स्पष्ट हो, इसीलिए आज हम लोग आए हुए हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हमने कहा कि कल हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, हमने कह दिया कि कल हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, क्योंकि ओंडेगे वहीं पर एग्रीको मैदान में। देखिए बात यह है कि अगर आपको स्वाभिमान यात्रा निकालना है बिहार और यूपी का, तो बिहार और यूपी में स्वाभिमान यात्रा निकालिए, वहाँ स्वागत है। स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? अपना अभिमान, आप सब चीज़ में संपुष्ट, आपका आत्मसम्मान की बात होती है। यहाँ आप आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में रोजगार करते हैं, बसते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन झारखंड के स्वाभिमान का तो बात नहीं कर रहे। आप झारखंड स्वाभिमान का बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। ये तो आप जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ और जो भी व्यक्ति हैं प्रशासन के अधिकारियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जो भी अगर मान लिया आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा इसमें सौहार्द या सांप्रदायिक स्वार्थ बना रहे, आपस में सांप्रदायिक दंगा ना हो, इसको प्रशासन को देखना है। क्योंकि ये सोशल मीडिया में हर किसी को जानकारी है, केवल प्रशासन के अधिकारी को नहीं, बड़े बड़े नेता मंत्री सब ने देखा है। सब सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक दंगा फसाद हो, किसी ने भी इस विषय पे कुछ भी टिक्का टप्पण अभी तक नहीं किया है। भाई झारखंड में हम लोग झारखंड के स्वाभिमान की बात करते हैं, आप झारखंड स्वाभिमान कीजिए, हम आपके साथ हैं। बिहार और यूपी का स्वाभिमान का बात करेंगे तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या? आपको इस पद पर जेल के हम केंद्रीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद आपका। दादा एक बात बोलिए कि अभी बिहार झारखंड, बिहार यूपी के नाम पर झारखंड में जिस प्रकार की ये जो विभेद पैदा करने के लिए वो एक स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है किसी सागर नाम के व्यक्ति के द्वारा,
आने वाले दिनों में वो जो है 1932 के विरोध में भी बात किया था, आखिर झारखंड में इस तरह की बात करता है और झारखंडी नेता जो है जो दूसरे दलों के हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, इससे उसको बढ़ावा मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये कोल्हान झारखंड का ही एक, झारखंड राज्य का एक प्रमंडल है, कभी किसी समय ये बिहार हुआ करता था, उसी समय भी ऐसे ही लोग हमारे यहाँ के मूल लोगों का, यहाँ के आदिवासी मूल लोगों का स्वाभिमान पे सम्मान सम्मान पे ठेस पहुँचाया गया। इसी के कारण ही इन लोग चाहा कि नहीं हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे, इसीलिए झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया है। जब बिहार राज्य से अलग करके झारखंड बनाया गया है तो झारखंड में बाहर के जो लोग हैं, झारखंड की मान सम्मान की बात होनी चाहिए, झारखंड की मान सम्मान की बात होनी चाहिए या फिर यूपी बिहार की? झारखंड का ये कोल्हान राज्य, कोल्हान प्रमंडल सॉरी, देख लीजिएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज ने झारखंड में प्रवेश करने का काम किया था तो कोल्हान के इसी धरती से, और अंग्रेज को भी हमारी इस कोल्हान की धरती पे अपना मान सम्मान के साथ आने ना देना और ऐसे लोगों को रोकने का काम किया गया। अभी यूपी और बिहार के लोग कौन होते आज के डेट में? इसीलिए यहाँ के युवा, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग सब इनको मेरसी का कर, समय रहते हुए ननमानकों को चेतावती दौर कर, वरना पता नहीं चिना चिने हुआ इन्हों समय का जिए इन में तो जाची मिन के अब हागिया को मिना कटबू है, झारखंड आदिवासी हो मुंडा सतल कुरुक खोट चाकी मिना कटबू है, साबेन समय मिना मिना होते आप मेडा का तीसिंग जो काफी मेड हुआ हजू उतन समय चौके लेकर चना मेडिया समय मीना मीना तक मेडिया चीने में तो ची आबू लेकिन हो को गए हन मणिपुर में मिना कटकुआ असम में मिना कर वगैरह वगैरह इटा इटा मिना कटकुआ तीसिंग ललिका को पहन लेकर कोकोन अवसर मिना कटकुआ तीसिंग एनमन को आयर तो जब तीसिंग आपे काफी मेड हुआ तो हजू उतन समय आपे सेता गुलगुली लेकर को लेकर पे है, इसीलिए समय रहते हुए जगिए। और आज जो यूपी बिहार के स्वाभिमान के खिलाफ में जो भी लड़का लोग जो भी संगठन आपके आपके संरक्षण के लिए विरोध किया है वो आपके संरक्षण के लिए साथ खड़ा हुआ है, आप उनका साथ दीजिए। और तत्काल प्रशासन से ये मेरा आग्रह रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है जमशेदपुर झारखंड के इस माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए तत्काल जो आपको संगठन के द्वारा पार्टी के द्वारा आग्रह किया गया है इस पर संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे, वरना पता नहीं जमशेदपुर में क्या कुछ होगा। इसीलिए हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ का माहौल बिगड़े, और ये चेतावनी देते हैं, चुनौती देते हैं, यदि अगर इस प्रोग्राम को रोकने का काम नहीं करती है प्रशासन तो हमें ये मालूम होगी, हमें यह आभास होगा कि सरकार के जो भी प्रशासन तंत्र है इनडायरेक्ट रूप में आज भी उन लोग के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा होता है कल के डेट में सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे सेम समय पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में यहाँ पे पूरे कोल्हान मंडल, कोल्हान प्रमंडल के हर एक गली के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, विरोध यात्रा हमारे निकालने की तैयारी। का मतलब जयराम महतो जी हमारे मुखिया है और ऐसे झारखंड के हर कोने में यदि मान सम्मान की बात होती है, मान सम्मान में ठेस पहुंचती है, टाइगर जयराम महतो जी हमेशा ऐसे जगह पे खड़ा होती है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं पांडोराम और सिर्जन हाइब्रु जेएलकेएम के केंद्रीय महासचिव। धन्यवाद आपका। और एक बात बोलिए कि ये जो सागर नाम का व्यक्ति है लगातार जो है राज्य राज्य में विभेद पैदा करना, अब झारखंड अलग राज्य हो गया, 24 साल हो गए, अब ये व्यक्ति जो है लगातार जो है प्रदेश के नाम पर विभेद पैदा कर रहा है, कभी कभी 1932 के नाम पर तमाम झारखंडियों को मतलब उनको लज्जा करने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज हम जिस झारखंड में रह रहे हैं ये झारखंड अलग राज्य का लड़ाई के लिए हमारे जो पूर्वजों ने आज इतने बलिदान दिए, इतना संघर्ष किए, कितनी बहनाएं हमारे विधवा हुई, कितनी माताएं हमारे विधवा हुई और उनके मान सम्मान अलग राज्य अनुकेल किए, अलग राज्य का गठन किया गया, उसके बावजूद भी अगर इस तरह छोटा मोटा जो आपका सोशल मीडिया में आने वाले नेता जो अपने आप को नेता समझ रहे हैं, इस तरह के जो मतलब कुबुद्धि वाला विचार में के हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो पार्टी है या जो मान लीजिए कोई उकसाने वाले लोग हैं, ये लोग उकसा कर ये सोशल मीडिया में इस तरह का बातों को लिखा करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे उन्होंने जिक्र किया कि एक मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ निर्वस्त करके वहाँ पर घुमाया गया है, शायद लगता है इन लोगों के यहाँ भी झारखंड में भी इस तरह महिला को उसके साथ निर्वस्त करके निर्वस्त होने के बाद ही ये लोग मानेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ की जो महिलाएं हमारी बहू बेटी हमारी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं है, कल उनका मानसिकता है कि आने वाला समय
समय में वो लोग भी यहाँ की महिलाओं का, हमारी बहू बेटी को निर्वस्त करने के विशेष रूप से वो लोग ध्यान में है वो लोग का, और यही विचारधारा को लेकर ये लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज झारखंड में हर समाज के लोग रहते हैं, हम भी झारखंड में, आप भी झारखंड में, और झारखंड अलग राज्य होकर 24 साल हो गया है, और हम लोग हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और भाईचारा के साथ रहते हैं। हर पूजा पाठ कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हम लोगों ने टाइगर जहरा मातो का जो भी आप स्टेटमेंट सुनते होंगे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कभी नहीं बोला कि झारखंड में रहने वाले बिहारियों को या झारखंड में रहने वाले बंगालियों को, झारखंड में रहने वाले अदर कास्ट को, तो किसी को भगाने का काम नहीं कर रहे, सब मिलजुल के उनका एक ही लड़ाई है कि यहाँ की जो स्थानीयता है, यहाँ की जो सोच है, यहाँ की जो युवा क्षेत्र में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके रोजगार के लिए, यहाँ की बहू बेटी को, यहाँ की बहनों को अच्छा सुविधा के लिए, ये आंदोलन उनका है और ये आंदोलन वो कर रहे हैं। इसी आंदोलन के साथ हमारे साथ जितने भी आप युवा साथी, जितने भी महिला देख रहे हैं, सब उनके विचारधारा से जुड़कर हम लोग इस कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो यूपी बिहार ये सब तो आना ही नहीं चाहिए, वो स्वाभिमान यात्रा झारखंड करके लिखना चाहिए, पूर्वी सिंहभूम जिला लिखना चाहिए, कोलान परमंडल लिखना चाहिए, हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन उनका जो यात्रा है यूपी बिहार यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यूपी बिहार के लोग रहते हैं, मतलब आप एक संगठन तैयार कर रहे हैं, एक संगठन तैयार करके हम लोग के साथ एक भावी, मतलब हम लोग को हावी होना, हम लोग के ऊपर होना चाह रहे हैं, हम लोगों पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जो पूर्वज था एक समय आंदोलन लड़ा था, आंदोलन किया था झारखंड अलग राज्य के लिए, जिन्होंने काफ़ी खून बरसाया, खून बलिदान दिया है, और ये आंदोलन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये आंदोलन हमारी बहू बेटियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, यहाँ की रोजगार के लिए, यहाँ की रोजी रोटी के लिए, और यहाँ की स्थानीयता के लिए आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आंदोलन अलग राज्य का नहीं होगा, अपना हक और अधिकार का लड़ाई होगा। इसलिए मैं हम लोग जो आज आवेदन दिए हैं, SDO मैडम को दिए, उपायुक्त मैडम को, सर को दिए, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा आज तक, अभी तक हम लोग को लेटर देने के बाद, आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो हम लोग तक मैसेज नहीं आया है कि वो लोग कार्यक्रम को रद्द किया गया है या नहीं किया गया है। इसी के लिए हम लोग आए थे, अगर रद्द कर देते हैं तो हम लोग उनको भी धन्यवाद देते हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग उसी जगह सेम टाइम सेम डेट पर हम लोग उस जगह, हम लोग एक जो झारखंड स्वाभिमान यात्रा जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग सब जगह करेंगे। क्योंकि जब हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कार्यक्रम कर सकते हैं? तो हम लोग झारखंड अधिकार के लिए हम लोग करेंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नाम हुआ जुगल किशोर मुखी, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी के हम क्रांतिकारी के सदस्य हैं और मैं पूर्वी सिंहभूम जिला से रहने वाला हूँ। हमारे साथ एक और क्रांतिकारी है, तो एक बात बोलिए कि अभी जो आज सागर नाम के व्यक्ति के द्वारा इस तरह के जो निकाला गया है स्वाभिमान यात्रा, अब तो आप लोगों ने आज ऐसे महोदय के पास आया, इसके पहले भी आप लोगों ने लेटर दिया है, तो अब ये जो रोक लगाने की बात, अभी तो किसी प्रकार का कोई संदेश SDM के महोदय तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से नहीं आया, अभी आप लोग फिर आज आए हैं, क्या कहना या आगे और तैयारी क्या करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि हमारा प्रशासन जो है लगभग ऐसा कर रहा है कि थोड़ा ढीला दे रहा है। हम लोगों ने 19 तारीख को जो भी सागर तिवारी, जिसका नाम लेने से भी वो विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है, जो अपना जो मनोवृत्ति खो चुका है, उसके विरोध में हम लोग आवेदन दिया 19 तारीख को, लेकिन अभी तक 2 दिन के बाद हम लोगों ने उस दिन भी 200-300 की संख्या में हम लोग यहाँ आकर के आवेदन दिए, लेकिन आवेदन का जो पुनरावृत्ति जो मिलना चाहिए था हम लोग का, उसका रिपोर्ट अभी तक हम लोगों किसी को मिला नहीं। उसी के वजह में हम लोग आकर के हम लोग पता लगा रहे थे कि उस आवेदन, हम लोग के दिया हुआ आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई करने का सोचा जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हम लोग को उस आवेदन का जवाब मिलना चाहिए, अगर उस आवेदन का जवाब अभी तत्काल नहीं मिलता है तो हम लोग वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, जो उस थाना क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र से, जो थाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ से यूपी बिहार वाले अपना स्वाभिमान यात्रा निकालने का सोचा है, उस थाना क्षेत्र में जा करके हम लोग उस आवेदन की फाइनल कॉपी हम लोग लेने के लिए अभी जाएंगे, अभी तुरंत। और जो हम लोगों को जिस तरह से वो लोग नहीं जानता है कि सागर तिवारी या कश्यप जो है वो हम लोगों के सोए हुए शेर को जगाने का काम किया है, हमारे माँ बहनों के लिए, हमारे बहू बेटियों के लिए जिस तरह के शब्द का व्यवहार किया है, हम लोग कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग भी झारखंड के उस वीर धरती जहाँ वीर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उलगुलान किया था, वहाँ के नवयुवक हैं, हम लोग चूड़ी पहन के नहीं हैं, हम लोग वो दिखा के रहेंगे। वो जो प्रयास किया है कि हम लोग को जगाने के लिए यहाँ नया झारखंड
में एक नए आग, एक सुलगाने का एक चिंगारी छोड़ा है। वो चिंगारी से हम लोग पूरे झारखंड को जला सकते हैं। झारखंड में जो बाहरी है, बाहरी कहना उचित नहीं है, जो ऐसे कुछ लोग मानसिकता के जो आदमी है उन लोग को जला के राख कर सकते हैं। ऐसा झारखंड का नवयुवक है, झारखंड के ऐसी शक्तिशाली जनता है। लेकिन क्या करें, हमारा जो अन्य पार्टी के लोग जो है, हमारे बहुत सारे पार्टी के हैं, उन पार्टी के लोगों को भी, उन पार्टी को भी समय से संज्ञान लेना चाहिए, समय इस विषय पर विचार करना चाहिए। लेकिन सब मुंह बंद किए हुए हैं, हाथ से हाथ धर करके चुपचाप खड़ा है। लेकिन JBKSS का, मेरा पार्टी का, हम लोग के जो भी हैं नवयुवक क्रांतिकारी हैं, सबका हम लोग का यही विचार है कि हम लोग इसको अपने एक छोटा रूप में नहीं लेंगे, इसके अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे, मरेंगे या जो कुछ भी होगा, हम लोग अंतिम निर्णय तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा विनोद सवांसी, मैं झारखंड महानगर का बोरीय उपाध्यक्ष हूँ। JLKM के JLKM के धन्यवाद आपका।